बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। मैं कई फिल्में साइन कर रहा हूँ, उस बायोपिक मतलब एक करने को मिले और वो भी सत्य साईं बाबा का मिले, ये तो बड़ा मेरे लिए तो गर्व की बात है। बिग बॉस मैंने पहले भी कभी नहीं देखा था, बाद में भी कभी नहीं देखा, मैं सिर्फ खेल के आ गया और मज़े करके आ गया, दुनिया में आग लगा दी। मैं तो एक पेड हॉलीडे के लिए गया था, उन्होंने पैसे भी अच्छे दिए और डेढ़ महीना मुझे आराम दिया। सत्य साईं बाबा का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, रिलीज भी हो चुकी है कई जगह, और तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है अभी अभिनेता के तौर पर आपको, जो आपको सफलता मिल रही है? मुझे तो और ऑफर आ रहे हैं, मैं कई फिल्में साइन कर रहा हूँ, उसमें और भी काम करूँगा, तरह तरह के अलग अलग काम कर रहा हूँ। तो सत्य साईं बाबा का रोल करना तो मुझे मतलब एक आशीर्वाद की तरह मिला है, क्योंकि मैं बाबा का भक्त हूँ, 55 साल से मैं बाबा को जानता हूँ उनके टच में, तो मेरे लिए उनका काम करना थोड़ा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि मैंने उनका हाव भाव देखा है, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, कैसे वो बिहेव करते, सबसे मिलते हैं, तो वो सारा कुछ जो मैंने देखा हुआ है, तो मुझे अभिनय में उतारना कठिन नहीं लगा, शायद इसीलिए लोग इसको पसंद करते हैं। कितना प्राउड है सर इस रोल को करके? बहुत बहुत, एक बायोपिक मतलब एक करने को मिले और वो भी सत्य साईं बाबा का मिले, ये तो बड़ा मेरे लिए तो गर्व की बात है। इतने सारे एक्टर्स, अच्छे अच्छे एक्टर हैं उसमें गोविंद नामदेव हैं, उसमें जैकी श्रॉफ हैं, रंधावा हैं, क्या नाम पूरा उसका, साधिका रंधावा हैं, अरुण बख्शी हैं, तो सब कलाकार उसमें हैं, बहुत खुशी की बात है। मैडम जी, बिग बॉस का पूछना चाहूँगा, काफ़ी जोर शोर चल रहा है, कुछ लोग तो एवैक्यूएट हो गए निकल चुके हैं और कुछ लोग हैं और राखी सावंत अपना वो कमाल दिखा रही हैं, उसके ने बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, आप फॉलो कर पाते हैं कि नहीं और किस तरह से देख रहे हैं कंटेस्टेंट को, विनर कौन नज़र आ रहा है आपको? बिग बॉस मैंने पहले भी कभी नहीं देखा था, बाद में भी कभी नहीं देखा और अपना कोई एपिसोड भी नहीं देखा, मैं सिर्फ खेल के आ गया और मजे करके आ गया, दुनिया में आग लगा दी। सर ये जानना चाहूंगा कि आप ऐसा कह रहे हैं और कई सारे कंटेस्टेंट्स कहते हैं ऐसे जो निकल के बाहर आते हैं कि बिग बॉस में देखा नहीं, फिर उसमें पार्ट लेने की मतलब क्या वजह रही है? एक्सपीरियंस तो करना चाहिए ना, दुनिया में क्या क्या है, क्या क्या चल रहा है। अब देखिए जो स्वर्ग है वो तो अभी तो देख नहीं सकते, वो तो बाद में जाना पड़ेगा, लेकिन जो जो चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं, तो डिज्नीलैंड भी देखना है वो भी देख लिया, तो बिग बॉस में भी देख लें, हमने सोचा जाके उसका शुद्धिकरण करा के। और सर ये बात भी है कि ज़्यादातर लोग जाते हैं ये समझ के कि उनको फेम मिलेगा, इंस्टेंट फेम जिसको कहते हैं कि हाँ जल्दी मशहूर हो जाएगा, आप इतने मशहूर हो के फिर बिग बॉस? नहीं, फेम में तो फेम के लिए मैं गया भी नहीं था, मैं तो एक पेड हॉलीडे के लिए गया था, उन्होंने पैसे भी अच्छे दिए और डेढ़ महीना मुझे आराम दिया, मुझे सिर्फ अपना योगा कर रहा था, रियाज कर रहा था, मज़े कर रहा था, तो मेरे लिए तो पेड हॉलीडे था, कहीं और मैं डेढ़ महीने चला जाता हॉलीडे करने, 2-4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, यहाँ तो उन्होंने दे दिए ऊपर से। दोबारा इच्छा जता रहे जाने के लिए? हाँ चले जाएंगे, चले जाएंगे, इस बार कटरीना कैफ को ले जाएंगे।